نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرت محتمیم صاحب دارالعلوم دیوبند حضرت نائب محتمیم صاحب دارالعلوم کے دونوں نائبین یہاں موجود ہیں اساتذہ کرام طلبہ عزیز اور میڈیا سے وابستہ جو ہمارے دوسرے دوست حضرات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزاد ہندوستان میں سانس لینے کا ہندوستان کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا اور اس دیش کے وکاس میں ترقی میں اسے آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کرنے کا موقع عطا کیا ہے. آزادی کے جشن کے موقع پر میں آپ سبھی حضرات کو دیش میں بسنے والے سارے دیش واسیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہمیں اس نعمت کی قدر کا احساس ہونا چاہیے ورنہ کسی آزاد ہندوستان کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہمارے بہت سے اکابر اس دیش کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے دنیا سے چل بسے لیکن انہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے ہندوستان میں جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنوں کو اور اس کی روشنیوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے. لیکن اتنا بڑا دیش جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ وسائل سے سورسز سے نوازا ہے, لنکا کے علاقے سے لے کر افغانستان کی سرحد تک جو بے دیش پھیلا ہوا تھا اور جس دیش پر انگریز سامراج نے قبضہ کر لیا تھا, اتنی قیمتی اور بیش بہا چیز کو وہ یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے یہ آزادی کی دولت ہمیں آسانی سے نصیب نہیں ہوئی ہے. آج کے اس پروگرام کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہم آزادی کا جشن منائیں, آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو, اس لیے کہ ہر انسان آزاد رہنا چاہتا ہے. ایک پرندہ اس کی فطرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آزادی سے محبت عطا کی ہے. اگر کوئی اس کے گھونسلے کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی آخری ممکنہ حد تک اس کے دفاع کی اور ڈیفینس کی کوشش کرتا ہے. ہر جاندار اپنے آپ کو غلامی سے بچاتا ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ تو حریت کی رہی ہے, آزادی کی رہی ہے. شروع ہی سے اسلام نے غلامی اور محکومیت کو قبول کرنے سے منع کیا. اس لیے اس دیش پر جب وہ برا وقت آن پڑا
कि यहां अंग्रेजों के नापाक कदम जमने लगे। हॉलैंड से बर्तानिया की तिजारत थी, गरम मसाले की तिजारत, 5 पाउंड की ये तिजारत हुआ करती थी, यानी एक मसाले की कीमत थी। जैसे आजकल महंगाई उरूज पर है और आपको सब्जियों और टमाटरों की कीमत भी कई मरतबा पूछ कर लेने की जरूरत करनी पड़ती है, तो उस जमाने में भी इत्तेफाक से महंगाई बढ़ गई और हॉलैंड से जो ताजिर गरम मसाले की तिजारत किया करते थे उन्होंने उसमें 5 शिलिंग का इजाफा कर दिया। ये शिलिंग एक तरह से समझिए हमारे यहाँ पैसों की हैसियत होती, लेकिन बर्तानिया के ताजिर बड़े नाराज हुए और उन्होंने उसी वक्त कहा कि अब हम हॉलैंड से इसकी तिजारत नहीं करेंगे, और उसी मौके से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की कि अब हमारी तिजारत बराह रास्त इंडिया से होगी, वहां के वसाइल से, वहां की चीजों से, वहां के मसाले से हम फायदा उठाएंगे, और इस तरह ये कंपनी वजूद में आती है। और सबसे पहले इस कंपनी का नुमाइंदा गुजरात के इलाके सूरत पहुंचता है, वहां इजाजत से कंपनी अपनी कोठी कायम करती है। जहांगीर के दरबार में कंपनी के नुमाइंदों को बहुत सी मुराद दी जाती है, लेकिन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुस्लिम बादशाहों की इसी दरिया दिली ने और इनकी फयादी और सखावत के जज्बे ने आइंदा 300 साल के लिए इस मुल्क को गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया। ये अंग्रेज बड़े मजमूम मकासिद के साथ आए थे, अगरचे जहांगीर के दरबार में ये सर झुकाकर आए पर एक महकूम की हैसियत से आए, लेकिन इन्होंने जो ख्वाब देख रखा था उसी के मुताबिक अपना काम करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इनके कदम जमते गए। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जब वफात होती है तो इस मुल्क में इंतशार का एक माहौल होता है, उस इंतशार के माहौल से फायदा उठाकर इस कंपनी ने अपनी आर्मी कायम कर ली, इसके पास अपनी ताकत हो गई और इस ताकत के बलबूते पर सबसे पहले इसने बंगाल के इलाके पर धावा बोल दिया। बंगाल में जाहिर है कि वहां भी मुसलमान थे जो इनसे बरसरे पैकार हुए, चुनांचे सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला इनके सामने आते हैं, बड़ी बहादुरी के साथ हिकमत अमली के साथ वो इनका मुकाबला करते हैं। पलासी में जंग का मैदान सजता है, लेकिन 1857 में नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते हैं। अंग्रेज सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ते थे, उन्होंने गद्दारों की एक टीम कायम कर ली थी, आपस में लोगों को लड़ा दिया था, उसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला को कामयाबी न मिल सकी। उसके बाद तो अंग्रेज और जरी हो गए, साउथ इंडिया में उनके मुकाबले में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे शेर हिंद सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेजों ने पूरी ताकत उनकी मैसूर में कायम रियासत के खिलाफ झोंक दी, लेकिन पहले 1780 में हैदर अली ने मुकाबला किया, फिर सुल्तान टीपू ने महा संभाला और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ये पहला मौका था कि हिंदुस्तान में सुल्तान टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ बाजाब्ता उसमें तोप का भी इस्तेमाल किया और उस वक्त के एतबार से जो जदीद हथियार हो सकते थे उन सारे वसाइल को काम में लाकर अंग्रेजों के बढ़ते कदम को रोक दिए। लेकिन अंग्रेज चुप नहीं बैठने वाले थे, वहां भी उन्होंने अपने साजिशी खेल का सिलसिला जारी रखा और फिर वो वक्त भी आया जब 1799 में सुल्तान टीपू निहायत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। एक वो दिन था, उसी दिन ऐसा महसूस हुआ कि अब हिंदुस्तान पर गुलामी की दबीज चादर तान दी गई। अंग्रेजों ने बरमला इसका इजहार भी किया और फिर वो बढ़ते रहे, पूरे मुल्क में
इस शिकस्त के बाद आग लग गई। खुसूसियत के साथ उलमाए किराम ये हमेशा कौमों की क़यादत करते हैं, भलाई खैर और फलाह के हवाले से हमेशा उनकी रहनुमाई करते हैं। ये अपनी खानकाहों को भी आबाद रखते हैं, दरसो तदरीस की मसनत को भी वो जीनत बख्शते हैं, लेकिन जब कौम मिल्लत के तकाजे पूरा करने की बात आती है तो वो अपनी हथेली पर जान का नजराना लोगों के सामने और कौम के सामने पेश कर देते हैं। चुनांचे उलमाए किराम हरकत में आए और सबसे पहले 1803 में फख्र हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। उन्होंने अपने फतवे के जरिए ये वाज़ह कर दिया कि हिंदुस्तान दारुल हरब बन चुका है और हर साहिब ईमान के बस में जितना कुछ है उसे अपने खून के आखिरी कतरे तक और जब तक उसकी सांस में सांस बाकी है इस जुल्म के खिलाफ, इस कुफर के खिलाफ और इस एक तरह से जो जबरदस्ती की आमिरियत थी इसके खिलाफ डटकर मुकाबला करना ये हर मुसलमान का फर्ज है। चुनांचे ये बात किसी मामूली आदमी ने नहीं कही थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन में और यहाँ की मिट्टी में उलमा से मोहब्बत है, बुजुर्गों का एहतराम है। चुनांचे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये सिर्फ सियासी स्टेज सजाने वाले सियासी मंच से दिया हुआ कोई बयान नहीं था। चुनांचे इस फतवे को लोगों ने अपने सीने पे लिया, अपने दिल में जगह दी और मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की एक आग फैल गई। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुलहा अपनी खानकाहों से निकल आए। इस फतवे के बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इस हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर बहुत ज्यादा असर था, वो अपने मुरीदीनों को लेकर बाहर आ जाते हैं और वो करिया करिया शहर शहर न जाने कहां कहां का दौरा करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं, उनकी जहन साजी करते हैं। वो उस दौरे में यहाँ देवबंद भी तशरीफ लाते हैं जहां से उन्हें इल्म की खुशबू और इल्म की महक महसूस होती है। काजी मस्जिद के आसपास ही उनका काफिला खेमा जन होता है और यहाँ के लोग जिनमें जज्बा हुर्रियत पहले से ही रहा है उनके इस जज्बे को वो और आग लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, पंजाब के इलाके में जाते हैं और फिर उनका मुकाबला होता है बालाकोट में। लेकिन 1831 में वो निहायत मर्दाना वार मुकाबला करते हुए वो भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। उसके बाद तहरीक के मराकिज बिखर जाते हैं, यहाँ दिल्ली के साथ पटना भी मरकज कायम हो जाता है, लेकिन अपने तौर से लोग इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। यही वो दौर होता है जिस दौर में ऐसा नहीं है कि सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद यह जज्बा सर पड़ जाता है, नहीं, बल्कि लोगों में यह जज्बा और ज्यादा ताकत के साथ उभरता है। हमारे वो अकाबिर जिनका खास किरदार है दारुल उलूम की तासीस में, इस मरकज इल्मी की बुनियाद में, वो अकाबिर खुसूसियत के साथ उस वक्त आवाम में आते हैं, लोगों की क़यादत करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, उनको हौसला बख्शते हैं। उस वक्त वो सिर्फ तकरीर नहीं करते, वो सिर्फ मज़ामीन नहीं लिखते, बल्कि बाज़ाब्ता वो फौज तश्कील देते हैं, अमीरुल मोमिनीन होते हैं। सैयदुत ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए मैमना मैसरा के अफसर मुकर्रर किए जाते हैं, वजीर कानून मुकर्रर किया जाता है, सारा एक निज़ाम बनता है, एक इस्लामी इमारत होती है, इस्लामी ममलकत होती है और उसका पहला और अव्वलीन हदफ यह होता है कि किसी तरह हमें अंग्रेजों का मुकाबला करना है और इनके चंगुल से अपने इस मुल्क को आजादी दिलानी। ये जो काफिला है ये काफिला हार नहीं मानता, इसके पास वसाइल की कमी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अंग्रेजों पर इज्तिमाईयत के साथ कई एक ऐसे हमले किए कि अंग्रेजी फौज बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गई। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अंग्रेजों की आर्मी का, फौज का जो पूरा एक तोपखाना सहारनपुर से आगे की तरफ जा रहा था,
एक बाग में बैठ जाते हैं ये मुजाहिदीन, और जैसे ही अंग्रेजों का काफिला वहां से गुजरता है उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अंग्रेज शिकस्त खाकर भाग जाते हैं और पूरा माल गनीमत इनके हाथ आता है। उसी में हजरत हाफिज जामिन रहमतुल्लाही अलैह शहीद हो जाते हैं। इस तरह ये कई महाज पर ये तहरीकें चलती हैं, पूरे मुल्क में आग लग रही होती है। इन सारी तहरीकों का नुक्ते उरूज है 1857 का इंकलाब, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया था, लेकिन वो गदर नहीं बल्कि सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले जो हुर्रियत पसंद लोग थे उन्होंने ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो सर से कफन बांधकर अपने अपने इलाकों से निकल गए थे। 1857 का जो इंकलाब है, इस इंकलाब में यहां से आमतौर से लोग समझते हैं कि आजादी की तहरीक शुरू होती है, लेकिन मैंने आपके सामने बहुत ही डिटेल के साथ इसलिए इशारा किया ताकि हमारे जहनों की तकहीर हो सके। यह आजादी की लड़ाई सिर्फ 1857 से शुरू नहीं होती है। हम लोग 1947 से जब से आजादी का जश्न मनाते आए हैं, उससे 200 साल पहले से यह आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। अफसोस की बात यह है, और ये तब ये इसको खास तौर से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम में से भी बहुत से लोगों का जहन यही बन गया है कि आजादी की लड़ाई तो उसी के बाद शुरू होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुजाहिदीन ने आजादी की फहरिस्त मुरतब करवाई है, और वजीर आजम साहब ने उसका इफ्तिताह किया है, 5 जिल्दों में जो पूरी डिक्शनरी और पूरी लिस्ट शाये हुई है, उसमें भी उन्हीं मुजाहिदीन को लिया गया है जो 1857 से लेकर 1947 के बीच में जिन्होंने कारनामे और खिदमत अंजाम दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 1857 तो एक तरह से उन छोटी छोटी तहरीकों का नुक्ता उरूज है, वरना उससे पहले शामली का मैदान सजाया जा चुका था, उससे पहले बरेली में हाफिज रहमतुल्लाह अलैह नबर्त आजमा थे, और उससे पहले न जाने कितने मुसलमानों की और उलमा की जाने कुर्बान हो चुकी हैं इस देश की आजादी के लिए। आखिर कभी उन्हें भी तो याद करना चाहिए, कम अज कम उनके नामों को, उनकी तहरीक के नामों को इन डिक्शनरियों में जरूर जगह मिलनी चाहिए। क्या ये इस लायक नहीं है कि इनका तस्करा किया जाए, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने शुरू में ही नेव रखी आजादी की तारीख की, उन्हें भुला दिया जाए, चाहे हुकूमत भूल जाए, चाहे कोई और भूल जाए, लेकिन इन देश की आजादी के लिए काम करने वालों के जो फर्जंद यहां मौजूद हैं, जो देश की आजादी से मोहब्बत करते हैं, सही तारीख से मोहब्बत करते हैं, कम अज कम उन्हें अपने इन बुजुर्गों के नाम याद होने चाहिए, उन्हें इन तारीखों के नाम याद होने चाहिए। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को याद नहीं रखती है वो कौम मिटा दी जाती है। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यह है कि यह हकायक हमारे सामने आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 1857 में तय था मौलाना अहमदुल्ला साहब और उनके रुफका कई इलाकों में इसके लिए बाजाब्ता मेहनत कर रहे थे, और तय यह हुआ था कि 31 मई को जितने हिंदुस्तानी हैं जो फौज में हैं वो बैक वक्त बगावत करेंगे, और अंग्रेजों के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बनी और बंगाल तक कुछ ऐसी बातें पहुंच गई कि जिसकी वजह से उससे पहले ही ये लावा फूट पड़ा, और 31 के बजाय 10 मई को ही मेरठ में हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले जो मुजाहिदीन आजादी हैं उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। ये कुल ये भी हमें नोट करना चाहिए कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का और इनकलाब का नारा देने वाले मेरठ के ये जो सिपाही थे इनकी तादाद ऑन द रिकॉर्ड 85 है। इन 85 सिपाहियों में 49 मुसलमान हैं और 36 हिंदू हैं। मुसलमानों का हिस्सा कभी भी कम नहीं रहा है। आजादी की लड़ाई में वो फ्रंट लाइन पे भी रहे हैं,
और पीछे से भी माली एतबार से और इक्तसादी एतबार से इन्होंने भरपूर सपोर्ट की। आजादी के आखिरी मरहले में सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी कायम की है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक मुसलमान शख्स है जिसने अपनी पूरी दौलत इस कायम होने वाली नई आर्मी को देश की आजादी की मोहब्बत में वक्फ कर दी थी। ये मैमन अब्दुल हबीब यूसुफ थे, अरे नाम भी याद रखना चाहिए, मैमन अब्दुल हमीद यूसुफ, जो बड़े दौलतमंद थे लेकिन पूरी दौलत जो उस वक्त के एतबार से जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए थी, 1 करोड़ रुपए की उस जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत थी, उन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल आर्मी को अदिया कर दिया था। और इस तरह हर तरह से मुसलमानों ने सपोर्ट की है और इस तरह यह काफिला चलता रहा, लेकिन 1857 के इनकलाब में बज़ाहिर नाकामी हो गई। मेरठ से ये फौज दिल्ली की तरफ बढ़ती है, अपने साथियों को इसने जेल तोड़कर आजाद करा लिया और दिल्ली में भी फौज बगावत कर देती है। बहादुर शाह जफर एक तरह से उस क़यादत की कमान संभालते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजों को मदद मिल जाती है और वो इस तहरीक को बज़ाहिर कामयाब नहीं होने देते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो आमतौर से जुल्म करने वाले जालिम और डिक्टेटरों ने किया है, जो अपने इख्तदार के खिलाफ, अपनी सत्ता के खिलाफ, अपनी विचारधारा के खिलाफ, अपने नजरिए के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते और अपने खिलाफ नजरियात रखने वालों को जो मौत के घाट उतार देते हैं, जो उनके पैरों में जंजीरें डाल देते हैं, यही हाल उस वक्त के इन जालिम अंग्रेजों ने किया। इन्होंने चुन चुन कर इंतकाम लेना शुरू किया। इसमें मुसलमान आगे थे, उलमाए किराम के हाथ में क़यादत थी बहुत से इलाकों में, इसलिए इनका नजला सबसे ज्यादा उलमाए किराम पर गिरा। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस वाकये के बाद इस इल्जाम में 5,000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पूरा ये जो मेन रोड है हाईवे, यहां से लेकर बहुत दूर तक पेशावर तक जितने दरख्त थे, सब पर उलमा की लाशें लटकी हुई नजर आ रही थी। ये हमेशा रहा है जालिमों का किरदार, डिक्टेटरों का यह किरदार रहा है, लेकिन तारीख ने सबको सबक सिखाया। हमारे हजरत कारी साहब दामत बरकातहू ने आज बहुत अच्छी आयात का इंतखाब किया था, जिसमें ऐसे सारे जालिमों को आईना दिखाया गया है। कुरान करीम ने कहा है कि देखो, तुम जो कुछ भी करोगे तुम्हें अपनी कार शैतानी का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मुल्क और ये हुकूमत और ये सल्तनतें तुम्हें गर्रे में न डालें। याद रखो, ये सल्तनत हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। लेकिन अंग्रेज इस हकीकत को नहीं समझ सके और किसी भी तौर का जालिम कभी इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जैसे अंग्रेजों का हश्र हुआ, वही हश्र सारे जालिमों का हुआ है और आइंदा भी इन जालिमों को की मिट्टी इसी तरह पलीद होगी। ये फितरत का कानून है, ये कानून बदलता नहीं है। उलमा के साथ बहुत ज्यादा मजालिम उनके साथ बढ़ते गए, लेकिन हमारे ये बालिग नजर उलमा थे, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जब ये देखा कि वक्त का तकाजा ये है और हालात ऐसे हैं कि हम शायद मैदान जंग में इनके बढ़ते कदम को न रोक सकें, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और 1857 के चंद साल के बाद ही उन्होंने 1866 में दारुल उलूम देवबंद की नींव रखी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पसे मंजर में दारुल उलूम कायम हुआ है। इसलिए दारुल उलूम की मिट्टी में आजादी से मोहब्बत है। यहां जो तलबा तैयार हुए, जो पढ़ाने वाले थे,
ये सब वो थे जो आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला रखते थे। यही के खाक से शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं और उन्होंने पूरी प्लानिंग की, अपने शागिर्दों की एक टीम तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी मंसूबा बंदी के साथ दुनिया के कई मुल्कों को उन्होंने तैयार कर लिया था कि बाहर से उनकी फौजें अटैक करेंगी और अंदर से यहाँ के जो हिंदुस्तानी हैं वो बगावत करेंगे और इस तरह अंग्रेजों के लिए अपने कदम को जमाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने शागिर्द हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को, जो इसी दारुल उलूम देवबंद के प्रवर्ता थे, उन्हें काबुल भेजा। उन्होंने पूरे सूबे के अवाम में और अफगानिस्तान के लोगों में एक तरह से तहरीक पैदा कर दी और सबसे पहली हुकूमत उन्होंने कायम की, आज़ाद हिंद हुकूमत उन्होंने कायम की। हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान के नाम पर हुकूमत कायम की गई है, लेकिन इसमें गौर करने की बात यह है कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के ईमा पर, उनके मशवरे पर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जो हुकूमत कायम कर रहे हैं, उस हुकूमत का वजीर आजम अगरचे मुसलमान है, उस हुकूमत का वजीर खारजा, होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अगरचे खुद मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हैं और उसके प्राइम मिनिस्टर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली हैं, लेकिन उस हुकूमत का प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया वो थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो इस दारुल उलूम देवबंद की फिक्र के बानियों में है और इस फिक्र को आगे बढ़ाने वालों में है, इस दारुल उलूम देवबंद के पहले तालिबे इल्म में है, उनके शागिर्द जब काबुल में जाकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए आजाद हिंद हुकूमत कायम करते हैं तो उसका प्रेसिडेंट और सदर वो किसी और को नहीं, हालांकि वहां आसपास सब मुसलमान है, फिर भी वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उन्होंने बनाया। उन्होंने ये मैसेज दिया, उन्होंने ये पैगाम दिया कि इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हमारी पॉलिसी सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने की नहीं होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी सबको लेकर चलने की है। अगर हम सबको लेकर चलेंगे तो वाकई ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, आपस में भाईचारा रहेगा और हिंदुस्तान में जो मोहब्बत की खुशबू फैली हुई है वो मोहब्बत की खुशबू और ज्यादा फैलेगी। ये पैगाम हमारे बुजुर्गों ने दिया है, दारुल उलूम देवबंद से पढ़ने वाले शागिर्दों ने दिया है, दारुल उलूम देवबंद के तैयार करदा मुजाहिदीन आजादी ने दिया है और इस पैगाम को इन बुजुर्गों ने और आगे बढ़ाया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की प्लानिंग अगर कामयाब हो गई होती तो शायद इस वक्त हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनके साथ शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को और उनके शागिर्दों को माल्टा की जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन पूरे मुल्क में उनकी रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरे होते हैं जिनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और इस तरह आजादी की शमा लोगों के दिलों में जलती रहती है। 3.5 साल के बाद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के कैद से वापस आते हैं। उस वक्त वैसे ही नहीफ और कमजोर जिस्म के थे, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं, लेकिन उस वक्त भी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का यह पैगाम था कि आजादी की लड़ाई तन्हा मुसलमानों के लिए लड़ना ये बसीरत और हिकमत के बिल्कुल खिलाफ है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। जमीयत उलमा हिंद कायम होती है, उनके शागिर्द, उनके परवरदा, उनकी फिक्र से हम आहंगी रखने वाले लोग इस जमात के अव्वलीन कायदीन में होते हैं और ये जमात आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद शुरू करती है उन्हीं खतूत पर जो खतूत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तय किए थे, दारुल उलूम देवबंद के बुजुर्गों ने तय किए थे और जमीयत उलमा हिंद ने उस वक्त सरफरोशी के जो जज्बात पेश किए हैं आज के माहौल में आपके लिए उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। ये वो वक्त था जब हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज बोलना या एक लफ्ज लिखना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने अपना कन्वेंशन बुलाया और कन्वेंशन में बहुत साफ लफ्जों में मुतालबा कर दिया। ये वो वक्त था जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वजूद में आ चुकी है, उसके बड़े बड़े लीडर मुल्क के कोने कोने में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन
अंग्रेजों से वो चंद सियासी मुराद के अलावा किसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहे। वो अपने हुकूक के लिए और राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये जमीयत उलमा हिंद पहली जमात है जिसने अपने कन्वेंशन में कहा कि हमें पूरे मुल्क की आजादी चाहिए, हमें चंद रियायतों की भीख बिल्कुल मतलूब नहीं है। ये जमीयत ने जब अपने कन्वेंशन में ये मुतालबा मंजूर किया है, बाद में जाकर कांग्रेस ने रद्दो कदा के बाद जमीयत के इस मुतालबे की तायीद। ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे बुजुर्गों ने कभी बातिल के आगे अपना सर नहीं झुकाया, कभी इस मुल्क की आजमत पर आन पर बांध पर आंच नहीं आने दी। शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक मर्तबा नहीं वो कई बार गिरफ्तार होते हैं। एक गिरफ्तारी सिलसिले में होती है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था, उस पर दस्तखत कर दिए थे, उन्हें कराची तलब किया जाता है और एक कैदी की हैसियत से कराची के एक हाल में अंग्रेज जज के सामने पेश किया जाता है। अंग्रेज जज बड़े करख्त लहजे में पूछता है, मुलजिम हुसैन अहमद, क्या तुमने ये फतवा दिया है कि मुसलमानों का अंग्रेज फौज में शामिल होना हराम है? हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह निहायत वकार और इत्मीनान के साथ जवाब देते हैं, हालांकि उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौजूद हैं। उस हाल में वो हजरत के कदमों में पड़ गए कि हजरत जरा तावील से और हीले से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, कौम को और हिंदुस्तान को और इस तहरीक को आपकी सख्त जरूरत है। लेकिन हजरत मदनी इस इस्तफसार पर बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हैं कि जी मैंने ये फतवा दिया है और अभी भी मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों का अंग्रेजी फौज में शामिल होना हराम और इस्लाम से गद्दारी है। जज परेशान हो जाता है, पहलू बदलकर वो निहायत करख्त लहजे में पूछता है, मुलजिम हुसैन अहमद, क्या आपको मालूम है इसकी सजा क्या है? हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों हमारे इन बुजुर्गों की तुर्बतों पर जिन्होंने कभी भी बातिल के सामने सर न झुकाने का हमें दर्स दिया है। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपने बगल में दबा हुआ कपड़ा अंग्रेज की मेज पर रखते हुए कहा कि सजा मालूम थी, इसलिए ये कफन का कपड़ा देवबंद से साथ लाया हूं ताकि जब मुझे तख्तेदार पर लटकाया जाए तो मुझे अपने कपड़े में दफन किया जाए, अंग्रेज के कपड़े में नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है। लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, वहां लोगों के अपने मुतालबात हैं, लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर कसम खा लेते हैं कि नहीं, हमें अपने मुल्क की आजादी से कम कोई चीज मंजूर नहीं है। या तो हमें मुल्क की आजादी का परवाना दो या ये कि दफन होने के लिए दो गज जमीन दे दो। उन्होंने कसम खा ली कि मैं अब अपने गुलाम मुल्क का चेहरा नहीं देखना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी लाज रख ली और जब वो वापसी का इरादा कर रहे थे, रास्ते में ही उनका इंतकाल हो जाता है और हुकूमत अपने खर्च पर उनकी नाश को फलस्तीन पहुंचाती है और अंबिया की पाक और मुकद्दस सरजमीन में हमेशा के लिए वासुदे खाब हो जाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त आजादी की लड़ाई के लिए महमेस का काम किया है और ये चराग से चराग जलाने का ये सिलसिला चलता रहा। दारुल उलूम देवबंद इस तहरीक का कायद रहा और यहाँ से कई तहरीकों की क़यादत हुई है और इस तरह ये काफिला चलता रहा और 1947 में रात को 12 बजे 15 अगस्त यही तारीख थे ऑल इंडिया रेडियो से बाबाबता इस मुल्क की आज़ादी का ऐलान हुआ। लेकिन उस दिन का जो सुबह का सूरज तुलू हुआ था, लोग उसकी किरणों में जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को फूल तकसीम कर रहे थे, मिठाइयाँ खिला रहे थे, लेकिन उसकी किरणों में हमारे उन हजारों और सैकड़ों बल्कि लाखों
उलमा के खून की सुर्खी भी शामिल थी जिन्होंने अपने आप को इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया था। ये हमारे इस मुल्क की तारीख है, हमारे बुजुर्गों की तारीख है। नई नस्ल को ये सब समझना चाहिए, ये जानना चाहिए। मुसलमानों की कमजोरी ये है कि वो तारीख सास तो हैं, वो तारीख बनाते हैं, लेकिन जब तारीख नवेजी होती है, तारीखी चीजें मुरतब की जाती हैं, तो कभी वो खुद ही अपने आप को अलग कर लेते हैं, या जो लोग तारीख लिखने वाले होते हैं वो अपने खास एजेंडे के तहत उन्हें साइड पे कर देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। तारीख के साथ नाइंसाफी ये अच्छी चीज नहीं है। जो तारीख जैसी है उसे हमें इसी तरह पेश करना चाहिए। अगर हमने देश के सामने बिगड़ी हुई तारीख पेश की है तो ये हम हकीकत में अपनी नस्लों पर, यहाँ के पढ़ने वालों पर और यहाँ के जो तालीम याफ्ता अफराद हैं उन पर हम अन्याय कर रहे हैं, हम उन पर जुल्म कर रहे हैं, हम उन्हें झूठी चीजें बतला रहे हैं, हम उन्हें फिर जहालत के अंधियारे में ले जा रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो सही इल्म की रोशनी है उस रोशनी को फैलाया जाए। इस मुल्क में इस वक्त भी बड़े मसाइल हैं और इतना बड़ा मुल्क है, मसाइल की कसरत रहेगी ही, लेकिन उसी बसीरत के साथ, उसी वतन दोस्ती के साथ, मोहब्बत के जज्बात के साथ, खासकर एक मुसलमान होने की हैसियत से जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत करार दिया है, जिसका किरदार दावत का है, जिसका किरदार मोहब्बत का है, हमें अपना किरदार अदा करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से वतन के हवाले से हमारे ऊपर जो कर्ज है और इसके जो तकाजे हैं हमें उन्हें जरूर अदा करना है। मैंने जो रिवायत पढ़ी है उस रिवायत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि कोई भी मुसलमान होगा उसके दिल में इंसानियत से मोहब्बत होगी, लोगों के का ख्याल रखेगा। वो मुसलमान सिर्फ वो नहीं है जो अपने लिए जीता है। कौन तुम खैर उम्मा, मुसलमान तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत इसलिए नहीं हो कि तुम बहुत नमाजें पढ़ते हो, बहुत रोजे रखते हो, बहुत इबादतें करते हो। ये चीजें पिछली उम्मतों में भी थी और ये चीजें तो हमारे लिए फर्ज हैं, ये तो हमें करना ही है। कुरान करीम कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो, उखरिजत लिन्नास, इसलिए कि तुम दूसरों की नफा रसानी के बारे में सोचते हो। तुम्हारे दिल में सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं होती, अपनी फिक्र नहीं होती, बल्कि तुम्हारे दिल में दूसरों की भी फिक्र होती है। अगर मोहल्ले में आग लगती है तो तुम्हें सिर्फ अपने घर की आग बुझाने की फिक्र नहीं होती, बल्कि तुम्हें पड़ोसियों की आग बुझाने की भी इसलिए इतनी ही फिक्र होती है। इसलिए तुम खैर उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। इसलिए मुसलमानों को अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त हालात यकीनन बहुत ज्यादा नाजुकता बे हैं और मुसलमानों के लिए तरह तरह की परेशानियां हैं, कई तरह के शिकंजों में उन्हें कसा जा रहा है, फिरका वाराना फसादात का सिलसिला है, उनके अमलाक पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन हालात के बावजूद भी हमें मायूस नहीं होना है। ये फिरका परस्त ताकतें ये चाहती हैं, इनका पहला एम ये है कि किसी तरह मुसलमानों के हौसलों को पस्त कर दिया जाए। ये इस पोजीशन में न रहें कि कोई डिसीजन ले सकें, कोई फैसला ले सकें, लेकिन ऐसे मौके पर हमें बड़ी अहमियत के साथ, बड़ी हिकमत के साथ और बड़े हौसलों के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हालात में तब्दीली आती है और ये फितरत के कुछ अपने निजाम हैं, उसके मुताबिक हमें अपने आप को भी सुधारना है। हमारे अंदर दीन पर अमल का बेपनाह जज्बा होना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें जो आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद फजाएँ दी हैं, तो हम सबसे पहले अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के महकूम हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी भी मनुष्य की और किसी भी संस्था की और किसी भी ताकत की और पावर की हम गुलामी कबूल नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसकी गुलामी के बंधन में मजबूती के साथ बनना पड़ेगा। हमारे अंदर वही अमानत हो, हमारे अंदर खुददारी हो, एक दूसरे के लिए मरने मिटने का जज्बा हो, सच्चाई और वफा, एक दूसरे से किए गए वादे को निभाने का हमारे अंदर जज्बा हो, तो हम सही मानों में मुसलमान हैं। और हम जब जितने अच्छे मुसलमान होंगे, इतने ही अच्छे हम इस देश के लिए और यहाँ के विकास के लिए और यहाँ की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी तौफीक दे, आप हज़रात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।